Now, In this lecture, we'll talk of relating integrals. अब इस टॉपिक का क्या मतलब है? इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि हमको कोई एक इंटीग्रल दे दिया जाएगा. लेट्स से हमको कोई इंटीग्रल दे दिया जाएगा, लेट्स से I1, और एक दूसरा इंटीग्रल दे दिया जाएगा I2, और I2 या उससे ज्यादा, और हमें इन लोगों में, इन दोनों इंटीग्रल्स में कोई रिलेशन निकालना होगा, और उस रिलेशन के बेसिस पे या तो प्रूव करना होगा या हमें वैल्यू निकालनी होगी. बेसिकली हमें इस फॉर्म से इस फॉर्म में आना पड़ेगा या इस फॉर्म से इस फॉर्म में लाना पड़ेगा. समहाउ इन दोनों में, इन दो जो इंटीग्रल्स हैं उनको कोरिलेट करना है इसमें. तो फॉर एग्जाम्पल इसमें वी कुड बी गिवेन, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या हो सकता है कि यू नीड नॉट हैव टू इवैल्यूएट द इंटीग्रल. मतलब आपको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाना होगा, पर जरूरी नहीं कि हमें इंटीग्रल पूरा करके दिखाना है. हमें इंटीग्रेशन नहीं करना है, हमें इस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चले जाएं. तो देयरफॉर यू माइट बी गिवन नॉन इंटीग्रेबल फंक्शंस. इसका क्या मतलब है? ऐसे फंक्शन दिए जाएंगे जिनका इंटीग्रेशन हो ही नहीं सकता, तो वो आपसे पूछेगा भी नहीं करने को. वो एक फॉर्म ऑफ इंटीग्रल से दूसरे फॉर्म ऑफ इंटीग्रल में चेंज करा देगा. सेकंड, लेट्स से यू माइट हैव क्वेश्चंस इन विच, लेट्स से आपको I1 दिया है, I2 दिया है, और उसने पूछ लिया व्हाट इज I1 प्लस 4 I2, या I1 अपॉन I2 क्या है, या I1 इज इक्वल टू I2 क्या है, या माइनस I2 क्या है, या I1 I2 में क्या रिलेशन है. ठीक है, तो इसमें थर्ड पॉइंट ये है कि हम लोग इसमें करेंगे क्या, इसका प्रोसेस क्या है. तो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर सॉल्विंग सच क्वेश्चंस, बट हिंट्स आपको कैसे मिल सकती हैं? हिंट्स कुड बी आइदर लुक फॉर आर्ग्यूमेंट्स, जो आपको जो फंक्शंस दिए उसके आर्ग्यूमेंट्स चेक करिए कि इस फॉर्म से इस फॉर्म में कैसे आया होगा, और यू माइट बी रिक्वायर्ड टू यूज सब्स्टिट्यूशन. एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाने के लिए सब्स्टिट्यूशन आप यूज करें. थर्ड, आपको लिमिट्स देखनी होंगी कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में लिमिट्स कैसे चेंज हो रही हैं, हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं. अगर हो रही हैं तो क्या हम करें जिससे कि वो लिमिट वैसी आ जाए. और ये भी हो सकता है कि आपको बायपार्ट्स यूज करना पड़े, कि आपको किसी फंक्शन का एक फॉर्म में डिफरेंशियल दे रखा हो, एक में उसका इंटीग्रल दे रखा हो, तो आपको बायपार्ट्स अगर लगा दें तो दूसरे फॉर्म में पहुंच जाएंगे. तो ये कुछ हिंट्स हैं जिससे कि आप मदद से आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. बट देन देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आप कैसे एक्चुअली इन क्वेश्चंस को डील करेंगे. ठीक है, तो थ्योरी के उसमें तो बस कुछ है नहीं. इसमें आपको हर क्वेश्चन में अपना दिमाग लगाना पड़ेगा. तो ये क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट भी लगते हैं स्टूडेंट्स को, क्योंकि इसमें कुछ प्रोसेस नहीं. आपको हर क्वेश्चन में दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या सब्स्टिट्यूशन करूं, लिमिट्स कैसे चेंज करूं, बायपार्ट्स तो नहीं लगेगा, उसमें फंक्शन है तो क्या उसका डिफरेंशियल तो दूसरे में नहीं दे रखा, या इंटीग्रल तो नहीं दे रखा. तो इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा. तो इसको हम लोग समझेंगे थ्रू एग्जांपल्स. ठीक है, लेट्स से फर्स्ट क्वेश्चन इज, वी आर गिवन दैट I1 इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 ln sin x dx, and I2 is given minus pi by 4 to plus pi by 4 ln sin x plus cos x dx, and we have to answer this कि I1 I2 में क्या रिलेशन है. I1 is equal to 2 I2, और I2 is 2 I1, this is I2 is 2 I1, और I1 is equal to 4 I2, और I2 equals to 4 I1. ठीक है,
बेसिकली आई वन आई टू में हमको एक रिलेशन फाइंड आउट करना है और इनमें से बताना है कौन सा रिलेशन है. लेट्स स्टार्ट विद आई टू. तो आई टू में क्या हो रहा है, माइनस पाई बाय फोर से पाई बाय फोर. अब देखिए लिमिट्स यहाँ पे क्या है, माइनस पाई बाय फोर से पाई बाय फोर, और यहाँ पे आई वन में क्या है, जीरो से पाई बाय टू. ठीक है, तो वी कैन लुक फॉर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लिमिट्स. तो यहाँ पे हमें कौन सा फॉर्म दिख रहा है, माइनस ए से प्लस ए एफ एक्स डी एक्स. इसको हम लोग क्या लिख सकते थे, दिस कैन बी रिटन एज जीरो टू ए एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स डी एक्स. ठीक है, ऑड इवन फंक्शंस की जब हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा था और बाद में हमने कहा था कि दिस कैन बी रिटन एज ट्वाइस ऑफ जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स अगर एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स होगा, और इसकी वैल्यू जीरो होगी इफ एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स होगा. ठीक है, बट हमने कहा था ये चीज हम हर केस में लिख पाएंगे, अगर माइनस ए से प्लस ए एफ एक्स डी एक्स है तो ये केस हम हर केस में लिख पाएंगे. तो ये क्या हो जाएगा, एल एन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स. तो दिस कैन बी रिटन एज जीरो टू पाई बाय फोर एल एन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस एल एन, एक्स की जगह माइनस एक्स रखें तो दिस वुड बी माइनस साइन एक्स, और कॉस में माइनस एक्स रखेंगे तो कॉस एक्स ही रहेगा डी एक्स. दिस कैन बी रिटन एज जीरो टू पाई बाय फोर लॉग एम प्लस लॉग एन. ठीक है, हो जाएगा लॉग एम इंटू एन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स. तो ये तो ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्म है, तो दिस बिकम्स एल एन कॉस स्क्वेयर एक्स माइनस साइन स्क्वेयर एक्स डी एक्स. दिस कैन बी रिटन एज जीरो से पाई बाय फोर एल एन कॉस टू एक्स डी एक्स. अब चेक करिए, पहली चीज तो यहां पे जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था वहां पे जीरो से पाई बाय टू है आई वन में, और जो आर्ग्यूमेंट है वो एक्स है, जबकि हमारे यहाँ पे जो आया है वो टू एक्स है. तो ये एक हिंट हम ले सकते हैं कि हमने क्या किया, लेट टू एक्स को टी ले लिया, तो ऑब्वियसली टू एक्स वन वन फंक्शन है और कंटिन्यूस है, तो ये सब्स्टिट्यूशन सही है. तो व्हेन एक्स इज जीरो टी जीरो होगा, और जब एक्स पाई बाय फोर होगा तो टी क्या होगा, पाई बाय फोर इंटू टू इज पाई बाय टू. तो देखिए हमारा क्या आ जाएगा, जीरो से पाई बाय टू एल एन कॉस टी डी टी. इनफैक्ट यहाँ पे आएगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो टू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, देयरफॉर डी एक्स इज डी टी बाय टू. यहाँ हाफ आ जाएगा, ये किसकी वैल्यू आ गई, आई टू की. नाउ इंस्टेड ऑफ, अब हमें पता है यहाँ पे अगर हम ये प्रॉपर्टी लगा दें, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स. तो अगर हम ये प्रॉपर्टी लगा दें तो दिस वुड बी जीरो टू पाई बाय टू एल एन कॉस पाई बाय टू माइनस टी डी टी. नाउ दिस थिंग कैन बी रिटन एज हाफ जीरो टू पाई बाय टू लॉग साइन टी डी टी. एंड अकॉर्डिंग टू अ डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी, अगर हम टी की जगह x लिख दें तो कोई फर्क नहीं, हमारा फंक्शन वही है, लिमिट वही है, तो डमी वेरिएबल के l एल एन साइन एक्स डी एक्स लिख सकते हैं. बट चेक करिए i2 जो हमने निकाल रहे हैं, दिस पोर्शन इज i1, ये हमारा क्या है, i1 है. चेक करिए 0 टू पाई बाई टू एल एन साइन एक्स. तो i2 की वैल्यू स्ट्रेट अवे क्या हो गई, i1 अपॉन 2, देयरफॉर i1 क्या है 2i2. यानी i1 i2 में क्या रिलेशन है, i1 इज ट्वाइस ऑफ i2, तो देयरफॉर योर करेक्ट ऑप्शन इज i1 इज ट्वाइस ऑफ i2. तो ये जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया, इसमें हमने क्या चीज देखी, हमने माइनस ए से प्लस ए की तरफ से शुरू करा और उसमें हमने प्रॉपर्टीज लगाई डेफिनेट इंटीग्रल की, और साइड बाय साइड हम ये देखते रहे कि हमको लाना क्या है. हमने लिमिट्स का को भी आइडेंटिफाई किया कि आई वन में जीरो से पाई बाय टू है, यहाँ जीरो से पाई बाय फोर हो गई. आर्गुमेंट भी हमने स्टेज पे देखा कि टू एक्स है, वहां पे एक्स है,
तो इन क्वेश्चंस में हम लोग जो बात की थी कि देर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, क्वेश्चन टू क्वेश्चन देख के हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, लेट्स से वी आर गिवन दैट इफ आई वन इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 cos स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x dx, I2 is 0 to pi by 2 sin square x upon 1 plus sin square x dx, and I3 is equal to 0 to pi by 2 1 plus 2 sin square x cos square x whole divided by 4 plus 2 sin square x cos square x dx, then we have to find the relation between I1, I2, I3. तो पहला ऑप्शन है I1 is equal to I2 but greater than I3. Second option is I3 is greater than I1 is equal to I2. Third option is I1 is equal to I2 is equal to I3. And the fourth option is none of these. ठीक है, तो हमें तीन इंटीग्रल्स दिए हैं और इनमें रिलेट करना है हमें आपस में उनको। तो पहली चीज तो हम नोटिस कर रहे हैं कि तीनों की लिमिट 0 से पाई बाय 2 है, ठीक है। अब अगर हम I1 से स्टार्ट करें, I1 इज 0 टू पाई बाय 2 cos स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x dx, तो अगर हम ये प्रॉपर्टी पे ध्यान करें a टू b fx dx इज a टू b f a प्लस b माइनस x dx, तो यहां ए क्या है 0 है, बी पाई बाय 2 है, तो ए प्लस बी माइनस एक्स वुड बी व्हाट, पाई बाय 2 माइनस एक्स। तो इसमें अप्लाई करते हैं तो क्या होगा 0 से पाई बाय 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस एक्स डीएक्स, एंड कॉस 90 माइनस एक्स क्या होगा साइन एक्स, तो 0 टू पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। चेक करिए ये तो हमारा आई टू आ गया, चेक करिए दिस इज एग्जैक्टली आई टू, यानी पहली चीज तो हमको क्या पता लगी आई वन इज इक्वल टू आई टू। तो ऑब्वियसली ठीक है तीनों ही ऑप्शंस में आई वन इज इक्वल टू आई टू तो है ही। अब हमें आई वन आई टू को आई थ्री से रिलेट करना है। अब चेक करिए I3 में cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x दोनों आ रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया I1 प्लस I2 करके देखा क्या होगा, क्योंकि लिमिट्स सेम है तो अंदर के इंटीग्रल सिंपली ऐड हो जाएंगे 0 टू पाई बाय 2 cos स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस sin स्क्वायर x dx। जब हम ये करेंगे तो 0 टू पाई बाय 2 हम लोग का एलसीएम हो जाएगा, द एलसीएम वुड बी 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहां पे क्या आएगा, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस cos square x dx. Now, if we multiply the denominator term by term, तो क्या होगा 1 plus sin square x plus cos square x plus sin square x cos square x. And in the numerator, we'll have cos square x plus sin square x cos square x plus sin square x plus sin square x cos square x. dx. Now, sin square x and cos square x, ये और ये मिला के तो 1 हो गया, plus ये और ये add हो गए, तो this is 2 sin square x cos square x whole divided by 0 to pi by 2 dx. अब नीचे sin square plus cos square 1 हो गया, 1 plus 1 is 2 plus sin square x cos square x. ये क्या हो गया I1 प्लस I2, ठीक है।
आई वन प्लस आई टू की वैल्यू आई। अब इफ यू लुक क्लोजली आई थ्री की वैल्यू क्या है, आई थ्री इज 0 to π/2 1 plus 2 sin² x cos² x होल डिवाइडेड बाय 4 plus 2 sin² x cos² x dx। तो अगर हम 2 कॉमन ले लें डिनोमिनेटर में तो व्हाट डू वी गेट, 1 plus 2 sin² x cos² x होल डिवाइडेड बाय 2 plus sin² x cos² x dx। और चेक करिए ये जो चीज है दिस इज आई वन प्लस आई टू विच वी हैव फाउंड आउट हियर। तो यानी ये आई थ्री है, यानी ट्वाइस आई थ्री इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, दिस वुड बी आई वन प्लस आई टू इज ट्वाइस आई थ्री। ठीक है, नाउ ट्वाइस आई थ्री हो गया, पर आई वन और आई टू तो सेम है, आई वन आई टू सेम थे हमारे, तो वी कैन राइट दिस एज ट्वाइस आई वन और ट्वाइस आई टू इज इक्वल टू ट्वाइस आई थ्री। तो देयरफॉर आई वन इज इक्वल टू आई टू इज इक्वल टू आई थ्री, मतलब ये तीनों इंटीग्रल्स की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। यानी ये तीनों इंटीग्रल्स क्या है, आपस में क्या रिलेशन है, ऑल दीज थ्री इंटीग्रल्स आर इक्वल। तो विच ऑप्शन इज राइट, तो जो फर्स्ट पार्ट था दैट वाज वेरी इजी, बस हमने वो प्रॉपर्टी लगाई तो हमें फर्स्ट से सेकंड इंटीग्रल मिल गया, तो यानी वो दोनों सेम थे, वो पार्ट तो क्लियर हो गया। थर्ड पार्ट के लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि हालांकि ये फायदा हुआ कि दोनों की लिमिट सेम है, तो वी कैन ऐड देम, और जब ऐड करेंगे तो एलसीएम में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको आई थ्री दिखना चाहिए। थर्ड को निकालने में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, फर्स्ट तो बहुत आसानी से हो जाएगा ये। तो आई होप आपको ये समझ में आया है। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन, लेट्स से वी आर गिवन दैट आई वन इज इक्वल टू 0 to π/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 plus sin x cos x dx, आई टू इज 0 to 2π cos raised to power 6x dx, I3 is minus π/2 to +π/2 sin cube x dx, and I4 is 0 to 1 ln 1 minus x upon x dx, and we have to find out the relation between I1, I2, I3, I4, and the options given are, let's say I2 is equal to I3 is equal to I4 each being 0 and I1 is not equal to 0. Second is I1 is equal to I2 is equal to I3, all are 0 but I4 is not equal to 0. Third option is I1 is equal to I3 equals to I4 is 0 but I2 is not 0. The last option is I1, I2, I3 और I4 होगा, यहां I4 is 0 but I3 is not 0। ठीक है, तो इसमें हमें चार इंटीग्रल दे दी और उनमें रिलेशन देखना है। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग आई थ्री पे देखते हैं, आई थ्री क्या लिखा है, -π/2 से +π/2 साइन क्यूब एक्स डी एक्स। नाउ इफ यू हैव हर्ड द लेक्चर ऑन ऑड इवन फंक्शंस, तो माइनस ए से प्लस ए एफ एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या होती थी, ट्वाइस 0 to a एफ एक्स डी एक्स अगर एफ माइनस एक्स वॉज एफ एक्स, एंड इसकी वैल्यू 0 होती थी इफ f of minus x was minus fx। मतलब कहने का अगर फंक्शन ऑड है
तो इंटीग्रल की वैल्यू जीरो होगी। नाउ इन दिस केस साइन क्यूब एक्स क्या है, साइन क्यूब एक्स एफ एक्स है, तो माइनस एक्स क्या होगा, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, माइनस साइन क्यूब एक्स विच इज वॉट, माइनस एफ एक्स। तो स्ट्रेट अवे से इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई, ठीक है, यानी आई थ्री तो जीरो है, ठीक है। नाउ लेट्स गो फॉर आई फोर, आई फोर में देखते हैं जीरो टू वन एल एन वन माइनस एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ए से बी एफ एक्स डी एक्स इज सेम एज ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो अप्लाई करें तो आई फोर इज स्टिल जीरो टू वन एल एन वन माइनस एक्स, एक्स की जगह वन माइनस एक्स सब्सिट्यूट किया तो ये क्या हो जाएगा, जीरो टू वन एल एन दिस वुड बी एक्स अपॉन वन माइनस एक्स डी एक्स। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, जीरो टू वन एल एन वन माइनस एक्स अपॉन एक्स होल रेज टू पावर माइनस वन, तो दिस इज माइनस जीरो टू वन एल एन वन माइनस एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। और चेक करिए तो फिर से आई आ गया, तो दिस इज माइनस ऑफ आई फोर इज इक्वल टू आई फोर, तो ट्वाइस आई फोर क्या हो गया, जीरो, देयरफॉर आई फोर क्या हो गया, जीरो, यानी आई फोर भी जीरो है हमारा, ठीक है। नाउ व्हाट वाज आई वन, आई वन वाज जीरो टू पाई बाय टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल अपॉन वन प्लस साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। यहां भी हम यही वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं, अब प्रॉपर्टी, तो आई वन क्या होगा, जीरो टू पाई बाय टू दिस टाइम साइन पाई बाय टू माइनस एक्स माइनस कॉस पाई बाय टू माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय वन प्लस साइन पाई बाय टू माइनस एक्स एंड कॉस पाई बाय टू माइनस एक्स डी एक्स। तो ऑन सॉल्विंग इट ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, दिस इज साइन एक्स वन प्लस दिस वुड बी कॉस एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। नाउ इफ यू एड द टू तो क्या हो जाएगा, अगर हम लेट्स से इसे आई टू मान लेते हैं तो आई वन प्लस आई टू क्या होगा, जीरो टू पाई बाय टू एलसीएम वुड बी वन प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, और ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये तो कैंसिल हो गया तो ये क्या आएगा, जीरो, ठीक। तो और इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस हम यहां से भी देख सकते हैं, अगर हम यहां माइनस कॉमन ले लें जीरो टू पाई बाय टू तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, ये क्या हो गया, माइनस ऑफ आई वन, अगर हम इसे आई वन ही रहने दें, लेट्स डू दिस, इसे आई वन ही रहने दें, वी डोंट गो फॉर दिस थिंग, अगर हम इसको ऐसे ही रहने देते तो दिस वुड बी सिंपली टू आई वन इक्वल्स टू जीरो, आई वन की वैल्यू क्या आ गई, माइनस आई वन, तो आई वन क्या आ गया, आई वन भी जीरो आ गया। तो हमारा आई वन भी जीरो है, आई फोर भी जीरो है, आई थ्री भी जीरो है, तो ऑब्वियसली फिर तो एक ही ऑप्शन बचता है, आई वन आई फोर और आई थ्री ये तीनों जीरो आ चुके हैं, आई टू जीरो ऑप्शन वाइज देखें तो फिर ये सही है सी, क्योंकि आई टू फिर अब जीरो नहीं होगा, लेकिन अगर हमें ये देखना हो कि जीरो नहीं है तो उसके लिए हम क्या करें, आई टू इज इक्वल टू जीरो टू टू पाई कॉस रेज टू पावर सिक्स एक्स डी एक्स। नाउ ये वह लर्न द प्रॉपर्टी जीरो टू टू ए एफ एक्स डी एक्स कैन बी रिटन एज ट्वाइस जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स इफ एफ टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स एंड इट्स वैल्यू इज जीरो इफ एफ टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। तो अगर हम इस पर अप्लाई करें तो क्या होगा, कॉस रेज टू पावर सिक्स टू पाई माइनस एक्स एफ टू पाई माइनस एक्स, अगर हम रखें एफ एक्स क्या है, कॉस रेज टू पावर
सिक्स एक्स, तो कॉस 2 पाई माइनस थीटा तो कॉस थीटा ही होता है, यानी कॉस रेस टू पाई 6x हो गया। देयरफॉर आई टू बिकम्स ट्वाइस 0 to π कॉस रेस टू पाई 6x dx। इनफैक्ट अगर हम फिर से इस पे अप्लाई कर दें तो कॉस रेस टू पाई 6 पाई माइनस एक्स क्या होगा, माइनस कॉस एक्स, लेकिन पावर इवन है तो फिर से क्या आ जाएगा, कॉस रेस टू पाई 6x। देयरफॉर वी कैन अगेन राइट दिस एज ट्वाइस 0 to π बाई 2 कॉस 6x dx, और ऑब्वियसली 0 से पाई बाई 2 में क्या होगा, और वैसे भी कॉस 6x इवन फंक्शन है, ये क्या होगा पॉजिटिव होगा, दिस वुड बी ग्रेटर देन 0, 0 तो हो ही नहीं सकता ये, तो ऑब्वियसली फिर आई टू क्या होगा नॉट इक्वल टू 0, तो देयरफॉर आवर करेक्ट आंसर वुड बी I1 इज इक्वल टू I3 इज इक्वल टू I4 इज 0 एंड I2 इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि cos raised to power 6x का ग्राफ भी हमारा शेप तो वही रहेगी, और 0 से पाई बाई 2 में हमारा x एक्सिस रहेगा तो उसका एल्जेब्रिक सम क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो वो 0 नहीं होगा, तो देयरफॉर आवर करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज सी। ठीक है, नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लेट्स से वी हैव If a is equal to 0 to 1, x raised to power 50, 2 minus x raised to power 50 dx, and b is equal to 0 to 1, x raised to power 50, 1 minus x raised to power 50 dx, then which of the following is true? Which of the following relation is true? So your first option is a is equal to 2 raised to power 50 d, b is a is equal to 2 raised to power minus 50 times b, c is a equals to 2 raised to power 100 times b, and d a is equal to 2 raised to power minus 100 b. ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए ए और बी दोनों की लिमिट 0 टू 1 है, एक्स रेस टू पावर 50 दोनों में है, ए में है 2 माइनस एक्स रेस टू पावर 50 और बी में है 1 माइनस एक्स रेस टू पावर 50। नाउ अगर इन दोनों में हमें रिलेशन चाहिए तो अगर हमने ये प्रॉपर्टी लगाई एफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स जो हमने पढ़ी थी कि 0 टू ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, अगर हम ये लगाते हैं, अगर हमने इसमें लगाई तो x की जगह क्या होगा 1 माइनस एक्स, यानी 2 माइनस 1 माइनस एक्स होगा, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स रेस टू पावर 50 आएगा, जबकि हमको चाहिए क्या 1 माइनस एक्स। तो इसमें हमको क्या सोचना है कि समहाउ हमारा क्या हो जाए इंटीग्रल, अगर हमें कोरिलेट करना है तो यहाँ x की जगह हम कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट करें कि यहाँ पे क्या हो 1 माइनस एक्स टाइप का आ जाए कुछ। ठीक है, तो अगर हमने कहा लेट एक्स को 2t सब्स्टिट्यूट करते हैं, उससे क्या होगा एक्स की जगह अगर हम 2t रखेंगे तो 2 कॉमन हो जाएगा 1 माइनस टी, और फिर डमी वेरिएबल को हम सोच सकते हैं कि डमी वेरिएबल से फिर वापस एक्स ले आएंगे, तो डिफरेंशिएट करें तो क्या होगा dx बाई dt इज 2, देयरफॉर dx इज इक्वल टू 2 dt, और x इक्वल टू 2t हमारा एक लीनियर फंक्शन है तो कंटिन्यूस भी होगा और 1-1 भी होगा, तो लिमिट्स कैसे चेंज होंगी, व्हेन एक्स इज 0 टी वुड बी 0 एंड व्हेन एक्स इज 1 टी वुड बी हाफ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू हाफ, एक्स की जगह हम क्या लिख देंगे 2t रेस टू पावर 50, और यहां पे क्या आ जाएगा 2 माइनस 2t रेस टू पावर 50, और dx की जगह हमारा आ जाएगा 2 dt। ठीक है, तो दिस इज ए, ए वुड बी 0 टू हाफ 2 रेस टू पावर 50 बाहर, टी रेस टू पावर 50 यहां से भी 2 कॉमन, तो यानी 2 रेस टू पावर 50 1 माइनस टी रेस टू पावर 50 इंटू 2 dt। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा,
टू रेस टू पावर 50 इंटू टू रेस टू पावर 50 यानी टू रेस टू पावर 100 इंटू टू जीरो टू हाफ टी रेस टू पावर 50 वन माइनस टी रेस टू पावर 50 डी टी। ठीक है, बट इसको करने से हुआ ये, दिस इज ए, ये पोर्शन देखिए जो अंदर वाला आर्ग्यूमेंट है, ये तो हमारा आ गया बी की तरह, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई कि यहाँ पे लिमिट्स चेंज हो गई, जीरो टू हाफ हो गया, यहाँ जीरो टू वन हो गया। तो यानी इसका मतलब हम लोग क्या करें, बी में भी कुछ इस किस्म से एडजस्टमेंट करें कि वो लिमिट जीरो टू हाफ हो जाए। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जीरो टू टू ए एफ एक्स डी एक्स कैन बी रिटन एज ट्वाइस जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स इफ एफ टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, और इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी इफ एफ टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। तो अगर हम ये बी वाली में अप्लाई करने की कोशिश करें, जीरो टू वन एक्स रेस टू पावर 50 वन माइनस एक्स रेस टू पावर 50 डी एक्स, तो टू ए की जगह क्या लिखा है वन, तो और एफ एक्स क्या है एक्स रेस टू पावर 50 वन माइनस एक्स रेस टू पावर 50, तो एफ टू ए माइनस वन मतलब वन माइनस एक्स, तो क्या आएगा वन माइनस एक्स रेस टू पावर 50 एंड वन माइनस एक्स रेस टू पावर 50, दिस इज वन माइनस एक्स रेस टू पावर 50 एक्स रेस टू पावर 50, ये तो पूरा एफ एक्स ही वापस आ गया। तो देयरफॉर दिस बी इंटीग्रल कैन नाउ बी रिटन एज ट्वाइस जीरो टू लिमिट क्या हो जाएगी हाफ एक्स रेस टू पावर 50 वन माइनस एक्स रेस टू पावर 50 डी एक्स। अब देखिए दिस वॉज अवर ए, ये हमारा ए था, दिस वॉज अवर ए एंड दिस इज अवर बी। तो अगर हम इसको गौर से देखें तो यहां पे तो कोई इशू नहीं है, डमी वेरिएबल हम ले आएंगे, ए इज इक्वल टू टू रेस टू पावर 100 टाइम्स ट्वाइस जीरो टू हाफ एक्स रेस टू पावर 50 वन माइनस एक्स रेस टू पावर 50 डी एक्स। अब चेक करिए ये वाला पोर्शन इज एग्जैक्टली बी, चेक करिए, तो ए की वैल्यू क्या आ गई टू रेस टू पावर 100 टाइम्स बी। तो योर आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड देन बी ए इज टू रेस टू पावर 100 टाइम्स बी। इस क्वेश्चन में भी देखिए हम लोग ने क्या किया, जो क्वेश्चन था उसको देख के ही हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या करें। पहले हमने क्या कोशिश करी कि 1 माइनस एक्स किसी तरह लाएं, तो यहाँ 2 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स लाने की कोशिश करी, फिर लिमिट्स हमारी चेंज हो गई, तो लिमिट्स को सही करा हमने जिससे बी और ए में लिमिट सेम हो जाए, तो वहां हमने फिर अगेन प्रॉपर्टी यूज करी डेफिनेट इंटीग्रियल की। दीज क्वेश्चन आर समथिंग जिनका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, एवरी क्वेश्चन विल पोज अ डिफरेंट चैलेंज, आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे मैं इनमें क्या करूं, क्या सब्स्टिट्यूशन करूं, क्या लिमिट्स चेंज करूं, कैसे प्रॉपर्टी लगाऊं जिससे कि हमारा रिलेट हो। नाउ लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन, वी हैव 0 टू इंफिनिटी साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स डी एक्स एंड वी हैव टू फाइंड, ये किसके इक्विवेलेंट है, 0 टू इंफिनिटी लेट्स से साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स, बी 0 टू इंफिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स होल रेज टू पावर 2, देन वी हैव 0 टू इंफिनिटी कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स एंड डी इज नन ऑफ दीज। ठीक है, तो अब 0 टू इंफिनिटी साइन स्क्वायर एक्स एक्स है, तो और जो हमें चारों इंटीग्रल्स कोरिलेट किए उसमें देखिए सॉल्व नहीं किया गया है और लिमिट्स भी वही रखी गई है 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, तो हमें अब कुछ इस तरीके सोचना है कि हमको इनमें से कोई एक आंसर मिले। तो जब हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था तो हमने कहा था रिलेटिंग इंटीग्रल्स में हम लिमिट्स भी देखते हैं, आर्ग्यूमेंट्स देखते हैं, कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है, और कभी कभी हमने क्या कहा था बायपार्ट्स लगाएंगे इंटीग्रेशन में, बायपार्ट्स लगाएंगे, बायपार्ट से एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस इज एक्स स्क्वायर,
ठीक है। तो अब जैसे इस केस में देखिए, ज्यादातर क्वेश्चन में ए और बी पार्ट में नीचे एक्स आ रहा है और यहाँ पे वन वन अपॉन एक्स स्क्वायर है, यानी अगर हम वन अपॉन एक्स स्क्वायर को समहाउ इंटीग्रेट कर दें तो वन अपॉन एक्स आएगा। तो अगर हम इस पे लेट से ट्राई करते हैं बाय पार्ट्स विद साइन स्क्वायर एक्स एज फर्स्ट फंक्शन एंड वन अपॉन एक्स स्क्वायर एज सेकेंड फंक्शन, तो क्या होगा? साइन स्क्वायर एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स देन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटीग्रल वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स का होल इंटीग्रल, ठीक है। ये क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स अपॉन माइनस वन बाय एक्स एंड दिस विल बी माइनस टू साइन एक्स कॉस एक्स एंड इसका माइनस वन बाय एक्स हो गया यानी प्लस वन बाय एक्स डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे लिमिट्स क्या थी? फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, यहाँ भी क्या है? जीरो टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो जो लिमिट्स हैं इस पे हम लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, ये आप साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स। अब साइन एक्स की वैल्यू इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, और साइन एक्स की वैल्यू का आउटपुट क्या रहेगा? वट एवर बी द वैल्यू ऑफ एक्स वो रहेगा तो प्लस वन और माइनस वन के बीच में, यानी साइन एक्स आपको क्या देगा? फाइनाइट आउटपुट देगा बिटवीन माइनस वन एंड जीरो। और नीचे क्या है? एक्स इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पे साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स क्या होगा? वी कैन राइट दिस एज लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स। अब इसकी वैल्यू तो वन हो गई और ये क्या हो जाएगा? जीरो। देखो इसकी वैल्यू भी क्या हो गई? जीरो। यानी इस पूरे इंटीग्रल की वैल्यू फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी क्या हो गई? जीरो। तो देयरफॉर जीरो टू इन्फिनिटी साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? जीरो टू इन्फिनिटी टू साइन एक्स कॉस एक्स क्या हो जाएगा? साइन टू एक्स अपॉन एक्स डी एक्स, ठीक है। नाउ अब जो हमें आंसर्स दिए उसमें तो सब जगह एक्स है, साइन एक्स है कॉस एक्स है, तो यहाँ जो साइन टू एक्स आया इसको हम हटा ले, तो लेट से टू एक्स को टी ले लिया, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? टू इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, देयरफॉर डी एक्स इज डी टी बाय टू। और लिमिट्स कैसे चेंज होंगी? वेन एक्स इज जीरो टी जीरो आएगा एंड वेन एक्स इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो टी भी इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो लिमिट्स तो वही रही जीरो टू इन्फिनिटी। ये हो गया साइन टी और एक्स की जगह क्या लिख दिया? टी बाय टू, और डी एक्स की जगह क्या आ गया? डी टी बाय टू, तो टू से टू कैंसिल हो गया एंड वी आर लेफ्ट विद जीरो टू इन्फिनिटी साइन टी डी टी अपॉन टी। अब टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? एक्स लिख सकते हैं, डमी वेरिएबल का कॉन्सेप्ट, लिमिट्स वही है, फंक्शन वही है, तो वी कैन इंटीग्रेटिंग वेरिएबल डी एक्स कर देते हैं। यानी इसका मतलब जीरो टू इन्फिनिटी साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स कैन बी रिटन एज जीरो टू इन्फिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। तो देखिए योर फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, जीरो टू इन्फिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स। तो अब इस क्वेश्चन में क्या हमने देखा कि इसमें हमने बाय पार्ट से फॉर्म कन्वर्ट करा, अर्लियर हम लोग प्रॉपर्टीज लगा रहे थे, इस केस में हमने क्या यूज कर लिया? इसमें बाय पार्ट्स यूज करके हमने क्वेश्चन रिलेट करा वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन, लेट्स से वी हैव इफ जीरो टू इन्फिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स इज डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू देन जीरो टू इन्फिनिटी साइन क्यूब एक्स अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू, ठीक है। ए ऑप्शन इज पाई बाय टू, बी इज पाई बाय फोर, सी इज पाई बाय सिक्स एंड डी इज थ्री पाई बाय टू,
ऑब्वियसली ये भी रिलेटिव इंटीग्रल का ही क्वेश्चन है, एक फॉर्म दे रखा है उसकी वैल्यू दी है और एक दूसरे इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है। ऑब्वियसली पहले इंटीग्रल को दूसरे इंटीग्रल से हमें रिलेट करना है कि जो दूसरा इंटीग्रल है वो पहले के टर्म्स में कैसे लिखा जा सकता है, और जब हम रिलेट कर लेंगे तो उसकी वैल्यू यूज कर लेंगे पहले इंटीग्रल की। तो ठीक है, यहाँ पे हमें दिया है साइन क्यूब एक्स, तो सबसे पहले तो हम इस पावर को खत्म करें, तो फॉर दिस वील यूज दिस प्रॉपर्टी। साइन थ्री एक्स की वैल्यू क्या होती है, 3 sin x - 4 sin cube x। तो साइन क्यूब एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 3 sin x - sin 3x / 4। तो व्हाट वी यूज इज, यहां पे हम क्या कर देंगे, जो सेकेंड इंटीग्रल है हमारा साइन क्यूब एक्स, वहां पे हम क्या लिख देंगे, 3 sin x - sin 3x / 4 x from 0 to infinity dx। तो 1/4 बाहर एंड वी आर लेफ्ट विद 0 to infinity 3 sin x / x dx, अलग कर दिया, एंड 0 to infinity sin 3x / x dx, ये अलग कर दिया। अब 1/4 टाइम्स 3 0 to infinity sin x / x dx, ये फॉर्म तो हमारा एग्जैक्टली वही आ गया जिसकी वैल्यू गिवन है π/2। और दूसरे फॉर्म में हमने क्या किया, 3x को लेट से t ले लिया, तो dt/dx क्या हो गया, 3, तो dx वुड बी dt/3। और लिमिट्स कैसे चेंज हुई, ऑब्वियसली 3x = t लिया, लीनियर फंक्शन है, कंटिन्यूस भी है, 1 1 भी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो व्हेन x इज 0 t 0 होगा, और व्हेन x इज इंफिनिटी t भी इंफिनिटी होगा। तो दिस बिकम्स 0 टू इंफिनिटी sin t, x की जगह क्या हो गया t/3, और dx की जगह हो गया dt/3। तो 3 से 3 कैंसिल, एंड अगेन वही कॉन्सेप्ट ऑफ डमी वेरिएबल, तो 3 इंटू, यहाँ तो हमने π/2 लिख दिया, माइनस ये क्या हो गया 0 to infinity, आई कैन राइट sin x / x dx, तो इसकी वैल्यू अगेन π/2 है। तो 3π/2 - π/2 × 1/4, तो दिस इज 3π - π/2π, यानी π/4 आंसर हो गया इसका। लेट्स से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। इस ये क्वेश्चन रिलेटिवली थोड़ा सा इजी था, बस हमको साइन क्यूब एक्स को कन्वर्ट करना था, पावर को खत्म करना था, और जब ये करके उसको स्प्लिट कर दिया, और दोनों पार्ट्स में हमको स्टैंडर्ड वैल्यू जो हमें दे रखी थी वो हमने यूज कर ली। नाउ लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन, एंड दिस टाइम द क्वेश्चन सेज, इफ लैम्डा इज इक्वल टू 0 to 1 e^(t/1+t)dt, then 0 to 1 e^(ln(1+t)dt is equal to, and your options are a 2 lambda, b e log(e)(2 - lambda, c is lambda, and d is e log(e)(2+lambda. ठीक है, अगेन ये रिलेटिंग इंटीग्रल्स का ही क्वेश्चन है, क्योंकि हमको एक फॉर्म दिया है और दूसरे फॉर्म को पहले फॉर्म के टर्म्स में बताना है, तो जब तक आपस में रिलेशन हम नहीं निकालेंगे दोनों का, हम नहीं बता सकते। तो लेट्स सी, लैम्डा गिवन इज 0 to 1 e^(t)/1+t)dt। तो अब जो हमें निकालना है, देखिए लिमिट्स एग्जैक्टली सेम है, 0 to 1 e की पार्ट t भी आ रहा है, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, ln(1+t), और ln(1+t) कब आएगा, जब हम 1/(1+t) ये जो पार्ट है इसका इंटीग्रल करें। तो डायरेक्टली हमको क्या हिंट दे रहा है कि हम क्या यूज कर लें, बाय पार्ट्स यूज कर लें। तो अगर हम बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1/(1+t) को हमें इस बार क्या मानना है, सेकेंड फंक्शन, और e^(t) को क्या मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन। तो दिस वुड बी e^(t) बाहर इंटीग्रल 1/(1+t)dt - d/dt ऑफ e^(t) इंटीग्रल 1/(1+t)dt का होल dt।
तो दिस वुड गिव यू ई रेस टू पावर टी एल एन वन प्लस टी एंड लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू 1 माइनस ई रेस टू पावर टी का डिफरेंशियल तो ई रेस टू पावर टी होगा और ये क्या आ जाएगा एल एन वन प्लस टी डी टी फ्रॉम 0 टू 1। तो इसकी वैल्यू क्या है लैम्डा, बस अब हमें ये लिमिट और फाइंड आउट करनी है। तो जब 1 रखेंगे तो ई रेस टू पावर 1 एल एन टी को 1 रखा तो 2 आ गया, माइनस जब टी को 0 रखा तो ई रेस टू पावर 0 1 है और एल एन 1 होगा, माइनस 0 टू 1 ई रेस टू पावर टी एल एन 1 प्लस टी डी टी और इसी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो बेसिकली ये लैम्डा है, तो दिस वुड बी ई लॉग ई टू, लैम्डा को राइट साइड ले गए और उसको लेफ्ट साइड ले गए, तो 0 टू 1 ई रेस टू पावर टी एल एन 1 प्लस टी डी टी। तो बेसिकली फिर इसकी इंटीग्रल की वैल्यू क्या आई, ई लॉग ई टू माइनस लैम्डा, ऑप्शन नंबर 2। तो ये क्वेश्चन आपको काफी आसान लगा होगा क्योंकि इसमें हमें स्ट्रेट अवे हिंट मिल गई, 1 अपॉन 1 प्लस टी की जगह यहाँ क्या आ गया एल एन 1 प्लस टी, विच सिंपली से इसकी उसका इंटीग्रल किया गया, और इंटीग्रल किया तो फिर हम क्या लगाएंगे बाय पार्ट्स लगा देंगे इसमें। तो आई होप आपको रिलेटिंग इंटीग्रल समझ में आए, दिस टॉपिक इज अ लिटिल लिटिल टफ क्योंकि इसमें आपको कोई सेट रूल्स नहीं है, आपको क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है क्या करना पड़ेगा, आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा, हिंट्स आपको मिल सकती हैं क्वेश्चन से लेकिन कोई रूल एज सच इसमें नहीं अप्लाई कर सकते।